नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं होटल में। तो होटल में हमने दो सिस्टम लगाए स्मार्टन के, 3050 PWM 14 PCU। और ये अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको, मेरे पीछे लगे हुए हैं इन्वर्टर, दो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे दो इन्वर्टर लगाए हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का। ये अलग अलग लगा रखे हैं, बाई चांस इसमें हम 5 KVA का भी लगा सकते थे, पर 5 KVA कस्टमर ने मना कर दिया था और हमने मना कर दिया था, भैया अलग अलग लगवाओ, बाई चांस एक में प्रॉब्लम आ जाती है इन्वर्टर तो एक फ्लोर आपका चालू रहेगा, और नहीं तो इन्वर्टर बंद होने के बाद में बिल्कुल दोनों फ्लोर बिल्कुल बंद हो जाएंगे, लाइट एक में भी ऑन नहीं होगी। तो इसमें अलग अलग फ्लोर के अलग अलग इन्वर्टर कर दिए हैं, बाई चांस कोई भी बैटरी डेड होती है तो एक फ्लोर कस्टमर का चलता रहेगा परमानेंट। और 5 KVA का इन्वर्टर लगाते हैं, बाई चांस उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती तो पूरा सिस्टम बंद ही हो जाता, पूरा होटल की सारी लाइट बंद हो जाती, लाइट आती तो जलती नहीं तो अदरवाइज बंद रहती। और इसके साथ में हमने फिर लगा रखी एक्साइड की बैटरी, ये एक्साइड की बैटरी है 150 AH, 3 साल वारंटी में। तो जो इस इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है लोड उठाने की, वो आप अपना इस पर आप 2 KW लोड चला सकते हो इस इन्वर्टर पर। आपने और भी वीडियो मिलेगी जिसमें कोई कहेगा भाई 3 KW लोड चल जाएगा या 2.5 KW लोड चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें खाली आपका 2 KW ही लोड चल सकता है खाली, अदरवाइज कोई लगाता है तो चला के जरूर देखना, नहीं चलेगा किसी भी हालत में, खाली 2 KW लोड इस पर चलेगा। और इस पर ऐसे ही इस टाइम पर लोड चल रहा है अभी। और एक चीज़ का और बताता हूँ आपको, कभी भी इन्वर्टर आप इंस्टॉलेशन वगैरह करें तो ध्यान से करें भाई, कहीं भी वायर वगैरह ज़्यादा ना हो, बाई चांस जैसे अलग अलग बोर्ड लगा रखे हैं कोई भी हमने कट नहीं छोड़ रखा है वायर में। और जो पिछली बार यहाँ पे मैं आया था तो यहाँ पे हम मीटर लगे हुए थे 4, अभी अलग अलग लगा रखे हैं। तो एक मीटर में स्पार्किंग हो गई थी और वो मीटर इसके बिल्कुल साथ जस्ट यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था बिल्कुल नज़ीक नज़ीक। तो एक मीटर में आग लगने के कारण चारों के चारों मीटर बिल्कुल जल गई थी। तो अभी हमारा बंदा आके बिल्कुल अलग अलग कर दिए सारा सिस्टम।